जैसे कि एग्जांपल नंबर 22 है, देखिए उन्होंने एनसीईआरटी में बोला भी, ऑल्टरनेटिवली वी कैन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोसीड एज फॉलोज, ओके। तो जैसे कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेन ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो y के इक्वल भी मान सकते हो बच्चों, आप चाहो इसको तो चाहे f ऑफ x के इक्वल मान लो और चाहे y के इक्वल, किसी के भी इक्वल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप इसको f ऑफ x के इक्वल मानोगे तो आंसर आएगा क्या, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x आएगा, और अगर आप इसको y के इक्वल मानोगे तो क्या आएगा, d वाई बाई डी एक्स आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब सुनो ये है, अब अगर आपको इसको t मान के करना है तो ये जो अंदर दिया हुआ है इसको आप t मान लो, यानी कि t इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। नाउ ये जो आपने माना है इसको आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर दो। अगर आपने बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है स्टूडेंट्स, तो t इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 पे ऑपरेटर क्या लगेगा, ऑपरेटर लगेगा d बाय dx, क्योंकि आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो d बाय dx, और इधर भी क्या लगेगा, d बाय dx। तो यहां से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स dt बाय dx इज इक्वल्स टू, सुनो 2x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 2 होता है, 2 तो बाहर जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1, और 3 का 0 होता है, तो dt बाय dx कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया था y इज इक्वल्स टू tan 2x प्लस 3, तो ये y इज इक्वल्स टू tan t बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 2x प्लस 3 को आपने क्या माना है, t। नाउ इसको भी अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, तो इसमें भी ऑपरेटर क्या लग जाएगा, y इज इक्वल्स टू tan t में ऑपरेटर लगेगा d बाय dx, ठीक है स्टूडेंट्स, d बाय dx, तो यहां भी लग जाएगा क्या, d बाय dx, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास d बाय dx, जो कि आपको फाइंड करना था, इज इक्वल्स टू, सुनो बच्चों tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, अरे भैया tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो tan t का क्या होगा, sec स्क्वायर t होगा, ठीक है। तो tan t का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t इनटू, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, t का भी करोगे, इनटू d बाय dx ऑफ t, जो कि dt बाय dx हो जाएगा। तो यहां से dy बाय dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर, और t की जगह आप क्या पुट करोगे, 2x प्लस 3 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, और सुनो ये जो 2x प्लस 3 है sec के लिए एंगल है, sec के लिए ये एंगल है, sec स्क्वायर ऑफ व्हाट, sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 इनटू dt बाय dx, और dt बाय dx कितना आया स्टूडेंट, 2 आया। अब सुनो ये 2 उठा के इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना इसमें, क्योंकि ये 2 इस पूरे में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2x प्लस 3 sec के लिए एंगल है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 इनटू sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3, दिस इज द आंसर। अब हम इसको डायरेक्ट करने जा रहे हैं, ये तो हमने अज्यूम करके किया है, अब देखिए इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे बच्चों, हम डायरेक्टली ही करेंगे, ठीक है, आपको इतना लफड़ा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है, y इज इक्वल्स टू, इतना टाइम नहीं होता है वहां की, लेट करोगे 10 घंटे, 2x प्लस 3, ठीक है। नाउ सिंपली कर दीजिए आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल्स टू tan ऑफ 2x प्लस 3, तो इस पर आप ऑपरेटर लगाओगे बच्चों, देखिए ब्लू मार्कर से मैं ऑपरेटर लगा रहा हूँ, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो ऑपरेटर क्या लगेगा, बोथ साइड डी वाई डी एक्स लगाओगे आप, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ y मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करना क्या है, करना है tan के आगे जो है उसको हाथ से ऐसे छुपा लो, और सोचो अपने मन में कि ये tan x है, सोचो अपने मन में क्या है, सिर्फ tan x है, तो tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता था, sec स्क्वायर x, तो यहां पर भी आप क्या करोगे, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर, लेकिन tan के सामने जो लिखा था, अरे भाई देखो ना आपने क्या पढ़ा था, d बाय dx ऑफ tan x आपने पढ़ा था, कितना होता है sec स्क्वायर x, तो ये tan के साथ जो एंगल लिखा होता वही कॉपी करते हो यहां, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, और tan के साथ जो एंगल लिखा हुआ है वही कॉपी कर लोगे यहां पर, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ, अब एक्स के सेट में अंदर का, ये जो अंदर का जो कुछ भी लिखा है इसका भी आप डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर 2x प्लस 3 इनटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स ये तो डेरिवेटिव करना आता है आपको, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2, और 3 का कितना हो जाएगा, 0, ये 2 आ जाएगा कहां, आगे 2 इनटू sec, क्योंकि ये 2 इस पूरे में मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसको उठा के अंदर मत मल्टीप्लाई कर देना है, 2x प्लस 3 sec के लिए एंगल है, तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 इनटू sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3, दिस इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, ठीक है।